22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए भगवान राम का प्रसाद स्वरूप चढ़ाने के लिए महाकाल मंदिर से 500,000 लड्डू अयोध्या भेजे जाएंगे। सीएम मोहन यादव जी की घोषणा के बाद महाकाल मंदिर की उज्जैन चिंतामन यूनिट में लड्डू बनना का कार्य शुरू हो चुका है। अब तक यहां पर 4,00,000 लड्डू बन चुके हैं। सोमवार को सुबह सीएम यादव लड्डू की यूनिट पर पहुंचे। यहां उन्होंने न सिर्फ लड्डू यूनिट का निरीक्षण करा, साथ ही यहां पर लड्डू बनाने में सेवा भी देते हुए नजर आए। सबका सौभाग्य है उज्जैन के सुप्रसिद्ध और भारत के सुप्रसिद्ध सम्राट यशस्वी विक्रमादित्य ने 2000 साल पहले जो अयोध्या में जाकर के भगवान राम के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, जो मंदिर काल के प्रभाव में आतंकवादियों ने, आतंकवादियों के दूसरे लोगों ने तोड़ा है, बाबर के नाम से जिनको जाना जाता है, ऐसे में मंदिर का पुनः भगवान का गर्भगृह में प्रवेश हो रहा है। माननीय मोदी जी से मिलने वाले हैं। हम उज्जैन और अयोध्या का हजारों लाखों साल से पुराना जो रिश्ता था उसको पुनः जीवंत करते हुए 500,000 लड्डू का प्रसाद बाबा महाकाल के नगरी से भेजने जा रहे हैं और उसकी सेवा के नाते से लगातार क्रम जारी है। हमारा 17 तारीख से जो 4,00,000 लड्डू आज तक बन गए, 500,000 लड्डू परसों पहुँच करके हम समय पर 21 तारीख तक हर हालत में अयोध्या पहुँचाने वाले हैं। तो 22 तारीख के दिन भगवान महाकाल का प्रसाद फिर एक बार 500 साल के पुराने इतिहास को जीवन 2000 साल पुराने इतिहास को